गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज ऋतिक कसंगुट्टर एंड यू आर वाचिंग अमेजिंग फूड ब्लॉग फ्रॉम पुणे। और आप सभी के रिकमेंडेशन पे इस बार मैं कैफे का ब्लॉग बनाने वाला हूँ। और आप लोग बोल रहे थे ऋतिक भाई कुछ नया लेकर आओ, तो नया लेकर आया हूँ। और ये लोकेशन आपको बताने जाऊँ तो सिम्बोसिस कॉलेज के पास में, एग्जैक्ट लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, मेल्टाउन कैफे। और ये रील देख के ना मैं तरस गया था शुभम भाई की, और ये प्लेस बोलना चाहता हूँ शुभम मोटे भाई के रिकमेंडेशन पे ही मैं आया हूँ। लेट्स एंजॉय सम सिनेमैटिक शॉट्स। गाइस आई एम इन द किचन ऑफ दिस मेल्टाउन कैफे। और हर एक कैफे या रेस्टोरेंट का जो किचन पार्ट होता है वो रियली इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा था कि जब कभी कोई डिश प्रिपेयर हो रही होगी ना, मैं एक बार किचन में जाके देखता हूँ कैसा हो रहा है। और अभी ना मेन पिज़्ज़ा की प्रिपरेशन चालू हो रही है, देखो आप जाके उसके शॉट्स। पूरा टेबल सज चुका है, साहिल भाई फुल रेडी है टूट पड़ने के लिए। मेरे को बहुत डाटा इसने, मेरे को खाना खाने नहीं दे रहा। तू बोला रुक जा, पहले व्लॉग का पूरा अच्छे से शूट फिर खाना। चलो भिड़ो एक एक पे। चलो पिज्जे से स्टार्ट करना है। जबरदस्त आइए। सो लास्टली हमारे अभी चार चीजें बचे, ये है खस और ये है रोज वाला सोडा डाल के लिए, और बहुत रिफ्रेशिंग दिख रहा है। चीयर्स पहले। अच्छा चीयर्स भी लेना। लो भाई
एकदम ठंडा ठंडा लग रहा है, चिल चिल। और ये स्पेशली समर में खाया जाता है, ये जो खस का शरबत रहता है वो स्पेशली समर में पिया जाता है, इसे पूरा पेट ठंडा ठंडा हो गया। ठंडा होना जरूरी है भाई। और लास्टली मैं एक ही चीज खाने वाला, तुम ये पियो मेरे को यार। क्यों भाई? मेरे को यार वो उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है। अरे चीज केक भाई। नहीं नहीं भाई, मैं अरे देता हूँ लास्ट में वाइट एक बची तो। इधर भी कुछ नहीं मिलेगा फिर आपको। हाँ हाँ नहीं चलेगा, ये देखो यार स्ट्रॉबेरी चीज केक कैसा है? ये मेरा है। कैसा है? मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है वो। तो आप ये ट्राई करो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको ये देता हूँ, आप मुझे। बस बस बस, ये मैं पूरा खाने वाला हूँ। और ओवरऑल एक्सपीरियंस ना, ओवरऑल एक्सपीरियंस बताने जाओ ना, रेड सॉस पास्ता एकदम 10/10 वाला, ये 9.5-10 में से, और ये 10+ वाला। यस, ये तो यार मैं यूजुअली पीता हूँ, तो यार 10 में से 9 पकड़ो। और ओवरऑल एक्सपीरियंस बताने जाओ 10/10 वाला ये। यस, बहुत बढ़िया कैफे है, आप हो पुणे में अगर तो विजिट ज़रूर करना यहाँ पे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आपको कोई भी कारण ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। यहाँ की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जब कभी पुणे आ रहे हो या फिर प्रॉपर पुणेकर्स देख रहे हो तो ये लोकेशन एक बार जरूर विजिट करना। आपसे मिलता हूँ कुछ दिनों में हटके वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।